बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कक्षा पहली की आज हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सप्ताह है 10, विषय है गणित, उप विषय है गिनती 4 और 5। बच्चों, इससे पहले हमने गिनती 1, 2 और 3 सीखी थी, आज हम पढ़ेंगे 4 और 5। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जा करके लाल बटन दबा करके मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहला प्रश्न है, माता पिता की मदद से नीचे दी गई बिंदियों को मिलाकर 4 और 5 लिखने का अभ्यास करें। तो देखिए बच्चों, 4 और 5 हमें बिंदियाँ मिला करके लिखना है, यहाँ पर अभ्यास करना है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को करना है। देखिए 4 किस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से आप सभी करें, ठीक है। अगला है 5, तो 5 हम किस तरह से लिखते हैं बच्चों, इस तरह से हम 5 लिखते हैं, ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो 4 और 5 का हमने अभ्यास किया। अगला प्रश्न, 2 वस्तुओं की गिनती करें और डिब्बे में लिखें। अब बच्चों, वस्तुओं की हमें गिनती करनी है कि ये कितने हैं और इन्हें डब्बे में लिखने हैं। 1, 2, 3, 4, ये कितने हैं, 4, तो 4 हम ऐसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, वस्तुओं की गिनती करके उचित अंक से मिलान करें। अब बच्चों देखिए, वस्तुएं और अंक दिए गए हैं, हमें मिलान करना है। तो 1 यहाँ पे क्या है, केला, 2 है बच्चों अंगूर के गुच्छे, 3 है सेब, 4 है आम और 5 है तरबूज। इसी तरह आगे देखिए प्रश्न 4, खाली डिब्बों में उचित संख्या भरें। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे उचित संख्या लिखनी है। 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद में 5 आता है, ठीक है। आगे बढ़ें, जीवन कौशल, यात्रा किराया। नीचे दिए गए यातायात के साधनों में से आपने किस किस साधन से यात्रा की है, उस पर गोला लगाएं। तो देखिए बच्चों, आपने यातायात के किन किन साधनों से यात्रा करी है, उन पे आपको गोला लगाना है। हवाई जहाज, हवाई जहाज में करी होगी सभी ने, नाव, नाव में भी करी होगी, बस, रिक्शा, रेल, टैक्सी, मेट्रो रेल, ऑटो रिक्शा, जिन जिन में भी बच्चों आपने यात्रा करी है, उनके आगे आप गोला लगाइए। नीचे लिखे गए साधनों में से किस में यात्रा करने के लिए टिकट लेना होता है और किस में यात्रा करने के बाद पैसे चुकाने होते हैं, बॉक्स में सही का निशान लगाएं। तो देखिए बच्चों, यहाँ यातायात के साधन के आपको नाम दिए गए हैं। यात्रा के लिए टिकट खरीदना, बच्चों कौन कौन सी यात्राओं के लिए हमें टिकट की आवश्यकता होती है और यात्रा के बाद किस किस में हम किराया देते हैं। हवाई जहाज, तो बच्चों हवाई जहाज में जाने के लिए सबसे पहले हमें टिकट की आवश्यकता होती है। रेल में भी सबसे पहले टिकट लेते हैं और बच्चों टैक्सी में बाद में हम किराया देते हैं। मेट्रो रेल में भी पहले टिकट लेते हैं, रिक्शा में भी बाद में देते हैं और ऑटो रिक्शा में भी बाद में किराया देते हैं। अगला है बच्चों, संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीज़ें आप जान पाएंगे। आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? भूरे रंग का कोई भी खाना जैसे चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट शेक, वॉनविटा, मिल्क या कोई अन्य पदार्थ खाएं या पिए। खेल पार्सल पास करना, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, अपने बड़ों की मदद से अपनी नोटबुक में एक नंबर नेम ट्रेन तैयार करें। अब बच्चों, नंबर नेम ट्रेन कैसे करना है, आप सभी को एक रेल का डब्बा, आप सभी को पता है रेल के डब्बे कैसे होते हैं, इस तरह से रेल के डब्बे होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को इस तरह से रेल के डब्बे बनाने हैं और इनमें आप सभी को इस तरह से नंबर नेम लिखने हैं। 100 तक आप सभी को लिखना है, 1, 2, 3, ठीक है बच्चों।
आगे देखिए बच्चों, दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो इस तरह से बच्चों, आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।